हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की ईबीएस की बुक लुकिंग अराउंड के चैप्टर सिक्स ओमनाथ जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमनाथ जर्नी, ओमना का सफ़र। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थीं। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला, क्योंकि वो एक साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थीं। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ होलीडे। ओमना अपनी दादी के घर जा रही थी और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने जा रही थी। ओमनाज फादर हैड गोन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज, और ओमना के पिता ही दोनों परिवारों के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने गए थे। देन जस्ट टू डेज बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाईसाइकिल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, और उनकी यात्रा से सिर्फ दो दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके सीधे पैर में फ्रैक्चर आ गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, और उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया था। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स, और डॉक्टर ने कहा था कि वह 6 हफ्तों तक अपने पैर को ज़्यादा हिला डुला नहीं सकती, उसे आराम करना होगा। राधाज फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। अब क्या था, राधा के परिवार को अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड, अब दोनों फ्रेंड्स बहुत उदास हो गई। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, क्योंकि उन दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि वो ट्रिप में एक साथ क्या क्या करेंगी। देन राधाज अम्मा हैड एन आइडिया, तभी राधा की अम्मा ने एक उपाय सुझाया। ओमना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, ओमना तुम अपने ट्रिप के बारे में एक डायरी में क्यों नहीं लिख लेती। देन वेन यू कम बैक, और जब तुम वापस आओगी राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप, राधा तुम्हारी यात्रा के बारे में सब कुछ पढ़ लेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, और इस तरीके से तुम अपनी कोई भी बात नहीं भूलोगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन, और ये तुम्हें ट्रेन में टाइम पास करने में भी हेल्प करेगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया, दोनों फ्रेंड्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, ओमना घर गई और उसने खाली पेज वाली एक कॉपी ढूंढी ताकि वह उसमें अपनी यात्रा के बारे में लिख सके। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमनाज डायरी फॉर यू टू रीड, और यहाँ पर आगे ओमना की डायरी के कुछ पन्ने दिए गए हैं जिन्हें तुम भी पढ़ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं ओमनाज डायरी। ओमना की डायरी, दिनांक 16 मई, और समय हुआ था 11:35। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. Station पर पहुँचते ही सबसे पहले हम सभी ने reservation chart में अपने नाम check किए। Soon the train reached the platform, और जल्दी ही train भी आ गई। We saw that the coach was already full, हमने देखा train तो पहले से ही भरी हुई थी। The train had started early in the morning from Gandhidham in Kaksh, और यह train आज सुबह सुबह ही गांधीधाम कक्ष से चली थी। When the train came, there was so much confusion, और जैसे ही ट्रेन आई हलचल मच गई, लोग कंफ्यूज हो गए। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside all from one door, और सभी लोग एक ही दरवाजे से उतर रहे थे और कुछ दूसरे लोग चढ़ रहे थे और अपने सामान को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them, और हम जैसे तैसे अंदर चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान उसके नीचे रख लिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. ट्रेन के चलने से पहले ही सभी लोगों ने अपना सामान रख लिया और अपनी सीट्स पर बैठ गए। After some time, the ticket collector came and checked our ticket to see that We were in proper seats, और उसके कुछ समय पश्चात टिकट कलेक्टर आया और उसने हम सभी के टिकट चेक किए और यह चेक किया कि हम सभी अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं। अप्पा एंड अम्मा हैड द लोअर बर्थ, अप्पा और अम्मा को लोअर बर्थ मिली। ट्रेन में 6 सीट्स एक साइड में होती हैं और दूसरे साइड में 2 सीट होती हैं, तो अप्पा और अम्मा को लोअर बर्थ मिली। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ्स, उन्नी और मुझे बीच वाले बर्थ मिले। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, और वहाँ पर दो कॉलेज के विद्यार्थी थे जिन्हें
ऊपर वाले बर्थ मिले। ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज अ फैमिली विद टू चिल्ड्रन, और साइड वाले बर्थ पर एक फैमिली थी जिनके साथ दो बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज, और वो बच्चे हमारी उम्र के थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, मैं बाद में जाऊंगी और उनसे बातें करूंगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अवर जर्नी, और अब मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गई और मैंने अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू किया। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स, अब मैं रुक गई क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोल दिया था। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अम्मा बहुत सारा खाना पैक करके लाई थी, जैसे ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ। My mouth is watering, मेरे मुँह में तो पानी आ गया। I will write more later, और अब मैं बाद में लिखूँगी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Why was it so crowded at the door of the coach, जो ट्रेन का दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि सभी लोग एक ही दरवाजे से चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। Second question, have you ever traveled in a train, क्या आप कभी ट्रेन में चढ़े हैं? When और कब आपको ये लिखना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रेवल, व्हाई, और आप कौन कौन सा खाना ले जाना चाहेंगे जब आप यात्रा करेंगे और क्यों, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। अपने जो जो फूड आप ले जाना पसंद करेंगे वो आपको इन लाइंस में लिखना है। व्हाट डज द टिकट चेकर डू, और टिकट चेकर क्या करता है? टिकट चेकर सभी की टिकट चेक करता है पैसेंजर्स की, और यह देखता है कि वे प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं। हाउ विल यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर, और आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? वो इस तरह से, जो टिकट चेकर होता है वो एक ब्लैक कोट में आता है और उसके चेस्ट पर नेम टैग लगा होता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है, और उसके दोनों शोल्डर्स पर, कंधों पर बैच लगा होता है जिस पर TTE लिखा होता है, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। चलिए अब समय हो चुका था, 4:30 बज चुके थे। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, और दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, पर मुझे नींद नहीं आई। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे मैदान देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, और वो सभी सूखे और भूरे थे। समटाइम वी पास्ड स्मॉल विलेजेस, और कभी कभी हमें कुछ छोटे छोटे गांव भी दिखाई दिए। दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय, और वो सभी भागते हुए दिखाई दे रहे थे। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्या आपको पता है जब ट्रेन बहुत तेज स्पीड में होती है तो चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आती हैं। अर्लियर इट वॉज हॉट, और अभी कुछ देर पहले बहुत गर्मी थी। नाउ दैट इट इज इवनिंग, और अब शाम हो चुकी थी। देयर इज सम ब्रीज, और अब हल्की हल्की हवा चल रही थी। द सन इज स्लोइंग सेटिंग एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज, और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान संतरी रंग का होता जा रहा था। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, और मैंने इस तरीके का दृश्य कभी भी अहमदाबाद में ध्यान से नहीं देखा था। We have just passed a station called Valsad, और अभी हम स्टेशन वालसाड़ से अभी अभी निकले थे। The train stopped for only 2 minutes, और वहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकी थी। But even for the short time there was so much noise, लेकिन इस छोटे समय में ही वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। चाय गरम चाय, one man was calling बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा, और वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी चाय गरम, और एक इंसान चिल्ला रहा था बटाटा वड़ा, वो बटाटा वड़ा बेच रहा था। पूरी साग, दूध, ठंडा दूध, पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, और ये सारी चीज़ें वहाँ बिक रही थी और लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पर खरीद और बेच रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, और हमने जल्दी ही कुछ केले और चीकू खिड़की से ही खरीद लिए। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो, ओमना ने खिड़की से क्या देखा? ओमना ने खिड़की से कुछ सूखे भूरे मैदान देखे थे, कुछ विलेज देखे थे छोटे छोटे, और उसने सनसेट का सीन भी देखा था, सूर्यास्त का सीन।
वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पर जो भी सामान बिक रहे थे आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. चलिए अब समय हो चुका था 8:30 बजे. अब ओमना आगे लिखती हैं, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बनाए. दे आर सुनील एंड अन, उनके नाम थे सुनील और अन. दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड, और वो भी अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे थे. कोझीकोड जो है वो केरल में है. सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक दी पढ़ने के लिए. अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, और कुछ देर बाद मैं अपने दांतों को ब्रश करने गई. बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था. समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, और किसी ने मुझे बताया कि यह सिर्फ किसी बड़े स्टेशन पर ही भरा जाएगा. चलिए बच्चों अब हम मैप में देख लेते हैं कि गुजरात से केरल कितना दूर है. देखिए वो लोग यहाँ से चले थे गुजरात से और उन्हें केरल पहुँचना था. यहाँ पर है केरल, तो उन्हें बीच में कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ा ट्रेन से. जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक ये भी उनके रास्ते में आए थे. चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस. क्या आपको पता है कि ट्रेन में बाथरूम में पानी क्यों नहीं था? चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर हो सकता है. पैसेंजर्स यूजली वेस्ट वाटर, जो पैसेंजर होते हैं वो नॉर्मली पानी को वेस्ट कर देते हैं, या फिर ये ठीक से भरा नहीं गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम. और इमेजिन कीजिए कि आप किसी लंबी ट्रेन यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप अपने साथ क्या क्या सामान रखना पसंद करेंगे ताकि आप अपने टाइम को पास कर सकें. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्टोरी बुक्स, गेम्स, एनीथिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर, वॉट वर्क डू दे डू, डिस्कस. आप इसमें जो लोग दिए हुए हैं पिक्चर में उन्हें पहचानिए और बताइए कि ये लोग इनका क्या नाम है और ये क्या काम करते हैं. चलिए फर्स्ट पिक्चर पे देखिए, ये है कूली. कूली क्या करता है? कूली हम लोगों की हेल्प करता है उनका सामान उठाने में. सेकेंड पिक्चर पे देखिए, ये है गार्ड. जो गार्ड होते हैं वो ट्रेन को सिग्नल देता है स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट है थर्ड. थर्ड में है ड्राइवर. जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन चलाता है और उसे अपने कंट्रोल में रखता है. फोर्थ है टिकट चेकर. टिकट चेकर जो होते हैं वो लोगों का टिकट चेक करते हैं और उसे मैच करते हैं. फिफ्थ है रेलवे पुलिस. रेलवे पुलिस जो होती है वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और लोगों का ध्यान रखती है. सिक्स्थ है सफाई कर्मचारी. ही क्लीन्स द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म्स. ये ट्रेन की सफाई करता है और प्लेटफॉर्म को साफ सुरक्षित रखता है. सेवन्थ है टिकट सेलर. टिकट सेलर क्या करते हैं, ये टिकट बेचते हैं और आपको ये टिकट काउंटर पर मिलेंगे. और ओमना की कहानी आगे डायरी के पन्ने जो हैं वो हम अगली स्टोरी में पढ़ेंगे. चलिए तो फिर ओके, थैंक यू.